स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास के अंदर चैप्टर टू है वो कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर टू से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी प्रीवियस जो पेपर है उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं चैप्टर टू से रिलेटेड, वो मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। आई होप आप सभी को वो आ रहे होंगे क्वेश्चंस। अब देखो, अपन यूनिट फर्स्ट में चैप्टर थ्री है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर थ्री क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। जो चैप्टर थ्री है वो एग्ज़ाम के अंदर 3 मार्क्स को कैरी करता है। कितने मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में? 3 मार्क्स का आता है, जिसका डिवाइडेशन रहेगा 1+2 का। मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला होगा जो सेक्शन ए में मिलेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है जो सेक्शन बी में मिलता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखोगे कि चैप्टर जो 3 है वो एग्जाम में कितने मार्क्स को कैरी करता है? 3 मार्क्स को कैरी करता है। अब जो चैप्टर 3 है वो क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी ह्यूमन में रिप्रोडक्शन की स्टडी हो रही है यहाँ पे। तो ह्यूमन जो है वो सेक्सुअलिटी के बेस पे कैसा है? तो बेसिस ऑफ द सेक्सुअलिटी, ह्यूमन इज द यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। अरे यूनिसेक्सुअल ही तो है ना, मेल और फीमेल दोनों सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं। जब मेल और फीमेल दोनों सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होते हैं? वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। फिर सेकेंड अपन ये कहेंगे कि जो ह्यूमन है वो सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म है, डाइमॉर्फिज्म ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म डाइमॉर्फिज्म का मीन्स टू फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी सेक्स जो है वो 2 फॉर्म में है। 1 फॉर्म इज द मेल सेक्स एंड सेकेंड इज द फीमेल सेक्स। मीन्स मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फाउंड इन द सेपरेट ऑर्गेनिज्म। एक मेल, और अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मेल बोलेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से तो उसको अपन क्या बोल देंगे? फीमेल बोल देंगे। नॉर्मली ये सब आपको पता है, बस आपको यही बात ध्यान में रखनी कि डाइमॉर्फिज्म होता है 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है सेक्सुअलिटी के बेस पर। फिर सेक्सुअलिटी के बेस पे जब ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट है, मेल सेक्स एंड द फीमेल सेक्स, तो सो ह्यूमन इज कैरी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी करता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये जो ह्यूमन है ये सेक्सुअलिटी के बेस पे कब मैच्योर होता है? तो व्हेन द ह्यूमन इज मैच्योर फॉर द सेक्सुअलिटी, दिस एज इज नोन एज द प्यूब्यूटरी एज। आप उस एज को क्या बोलते हो? प्यूब्यूटरी एज बोलते हो। जो प्यूब्यूटरी एज होती है उसके अंदर जो ह्यूमन है वो रिप्रोडक्शन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है। ह्यूमन प्रिपेयर फॉर द रिप्रोडक्शन, कंप्लीटली प्रिपेयर फॉर द रिप्रोडक्शन। इन दिस एज टू शो द सम सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल। तो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, ये बात आपको पता है। यानी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स आप किसे कहोगे? जिसे पता चल जाए ये मेल है और ये फीमेल है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाए। अब जो प्यूब्यूटरी एज है वो मेल और फीमेल में अलग अलग है, मेल की जो प्यूब्यूटरी एज है वो 13-15 ईयर्स मानते हैं और फीमेल की 12-14 ईयर्स मान के चलते हैं। मेल में प्यूब्यूटरी स्टेज के अकॉर्डिंग फेशियल हेयर का प्रेजेंट होना, फेशियल हेयर। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स मेल में कौन कौन से हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स इज द मेल, तो फेशियल हेयर यानी दाढ़ी मूंछ का आ जाना, ठीक है। जो सेक्स ऑर्गन है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाना,
सेक्स ऑर्गन आर द कंप्लीटली डेवलप ऑयली स्किन द साउंड इज द हेवी साउंड कैसी हो जाती है हेवी हो जाती है कंपेरिजन टू द फीमेल ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स है किसके अंदर मेल के अंदर और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स इन द फीमेल तो फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स में वन इज द मेनस्ट्रुअल साइकिल टू स्टार्ट द मेनस्ट्रुअल साइकिल सेकेंड साउंड इज सॉफ्ट या शार्प साउंड से ही पता चल जाता है कि फीमेल है कि मेल है वो ही कंपेरिजन बता रही हूं ऑयली स्किन है ना ऑयली स्किन यहाँ पर भी हो जाती है फॉर्मेशन ऑफ हेयर्स ऑन पेल्विक रीजन ब्रिस्ट फॉर्मेशन ये कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं मेल और फीमेल में ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स मेल के हैं और ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स फीमेल के हैं हालांकि मैंने वहाँ आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है एक बार के लिए इस चैप्टर में लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आपको ध्यान में रहे कि वुमन के अंदर रिप्रोडक्शन है कौन सी एज प्यूब्यूटरी अपन जब प्यूब्यूटरी स्टेज स्टार्ट हो जाएगी ना तो अपन कह सकते हैं एक वुमन है वो रिप्रोडक्शन के लिए बिल्कुल परिपेयर है जो प्यूब्यूटरी एज है वो मेल और फीमेल में डिफरेंस है मैंने एज लिख दी है मेल और फीमेल में प्यूब्यूटरी जब एज है उसमें कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स आ जाते हैं तो ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स और ये फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं क्लियर हो गई इतनी बार अब देखो जो जब प्यूब्यूटरी स्टेज स्टार्ट हो गई है ना ये प्यूब्यूटरी स्टेज ही तो थी तो ह्यूमन की जो बॉडी है उसमें टू टाइप की सेल्स होती है एक सेल्स का नाम है सोमेटिक सेल्स और एक सेल्स का नाम होता है जर्म सेल्स ये दो सेल्स होती है जो जर्म सेल्स है वो रिलेटेड टू द सेक्स सेल्स है यानी कि वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है और जो अदर जो हमारे बॉडी पार्ट है आपको पता है हमारी बॉडी बहुत सारे बॉडी पार्ट है बाकी के जो बॉडी पार्ट बच गए हैं उसके लिए कौन सी सेल्स होती है सोमेटिक सेल्स होती है जब प्यूब्यूटरी स्टेज स्टार्ट हो जाती है ना द स्टार्ट द प्यूब्यूटरी स्टेज तो सोमेटिक सेल्स की ग्रोथ कम हो जाती है और जर्म सेल्स की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है और इससे पहले किसकी ग्रोथ होती है सोमेटिक सेल्स की ग्रोथ होती है तो ड्यूरिंग द प्यूब्यूटरी स्टेज ए वुमन इज कम्प्लीटली मेच्योर फॉर द रिप्रोडक्शन द ग्रोथ ऑफ द सोमेटिक सेल्स इज द डिक्रीज growth of the somatic cells is the decrease and the growth of the germ cells is the increase the all energy perform that development of the germ cells to development of the male reproductive and the female reproductive completely develop the organs clear ho gayi itni baat to ye to thi roughly study ये जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर रहे हैं तो इसमें कुछ नॉलेज हमारे पास में होना चाहिए बस मैंने वो ही बात बताई है हालांकि यहाँ से एग्जाम में कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होने वाला है बट एज ए नॉलेज हमें ये बातें पता होनी चाहिए हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से फिर अपन ये देखते हैं कि ह्यूमन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स क्या क्या है इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन तो इवेंट्स में फर्स्ट क्या है फर्स्ट इवेंट इसमें होगा गैमेटोजिनेसिस देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक है इनकी स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कंप्लीट स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कंप्लीट क्या करेंगे स्टडी करेंगे फिर उसके बाद में अपन करेंगे गैमेटोजिनेसिस की स्टडी करेंगे जहाँ पे अपन फीमेल गैमेट यानी कि ओवा या फिर ओवम का फॉर्मेशंस करवाएंगे और जो
एक करवाएंगे मेल गैमेट मींस स्पर्म का फॉर्मेशन करवाएंगे। जब मेल और फीमेल गैमेट बन जाएंगे तो जो मेल है ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्पर्म को ओवम तक लेके जाए। इसमें कोई कैरियर कोई किसी और की हेल्प नहीं लेगा। जैसे प्लांट्स में एजेंसीज काम कर रही थी एयर के थ्रू वाटर के थ्रू एनिमल के थ्रू। ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है। जो मेल है वो खुद ही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है फीमेल तक स्पर्म को पहुंचाने में। जब स्पर्म पहुंच जाएंगे तो प्रोसेस अपन करेंगे फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन से किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। फिर ये जो जाइगोट है इसमें सेल डिवीजन होगा और ब्लास्टोसिस्ट बनेगी। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये कहाँ जाएगी? यूट्रस में जाएगी। और यूट्रस में जाकर ये किस में डेवलप होगी? एम्ब्रियो में डेवलप होगा। एम्ब्रियो से फिर क्या बनेगा? फिटस बनेगा। और जब फिटस कंप्लीटली बन जाएगा तो उस फिटस का क्या हो जाएगा? बर्थ हो जाएगा। डिलीवरी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये सभी स्टेप है, इन सभी स्टेप की स्टडी अपन इस चैप्टर को में करेंगे। यही है हमारा चैप्टर। ये क्या क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी करना, फिर अपन मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, ब्लास्टोसिस्ट बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे और फिर डिलीवरी करवाएंगे। अब यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन सी ग्लैंड इन्वॉल्व होती है, उन सब की अपन क्या करेंगे? कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। इतनी बात समझ में आएगी इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना होगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट इस बात की। तो फर्स्ट अपना क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टॉपिक डाल दू, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक है, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डाल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डाल। मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अपन क्या करेंगे? बात करते हैं कि किसकी, मेल में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो मेल में देखिए एक तो होते प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर अपन बात करेंगे कुछ सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे और कुछ अपन करेंगे असेसरी ग्लैंड्स की, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। कुछ अपन ग्लैंड्स की भी इसके अंदर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो सारे मिक्स में एक साथ लिख दूं। जैसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप क्या कहोगे? वन पेयर टेस्टिस। कितने पेयर? वन पेयर ठीक है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर वन पेयर स्क्रोटम, स्क्रोटम एक, वन पेयर स्क्रोटम वन, फिर वन पेयर एपिडाइमिस, वन पेयर एपिडाइमिस, फिर उसके बाद में वन पेयर वॉस डिफरेंस, वन पेयर वॉस डिफरेंस, उसके बाद में है वन पेयर सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स ठीक है। फिर यूरिथ्रा, यूरिथ्रा ठीक है, क्या है? यूरिथ्रा, पेनिस सिंगल, पेनिस सिंगल। फिर उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स है, जैसे एक ग्लैंड का नाम है बुल बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बड़ी लिखो स्पेलिंग, बुल बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यूरिथ्रल ग्लैंड। एक का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड ये लीजिए।
अब ये जो सेमिनल वेसिकल्स है, सेमिनल वेसिकल्स है, वो भी अपने आप में सिक्रीशन करेगी, ये भी कुछ सिक्रेट करेगी, तो सिक्रीशन के बेस पर हम इसे ग्लैंड नाम भी दे सकते हैं और इसे एक ऑर्गन का नाम भी दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट नाम देख लो, कौन कौन से पार्ट है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अब अपन डायग्राम बनाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्या क्या है? टेस्टिस है, वन पेयर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फिर स्क्रोटम है, एपिडाइमस है, वन पेयर वॉस डेफेंसिया, वन पेयर सेमिनल वेसिकल्स, वन यूरिथ्रा, वन पेनिस और बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। फटाफट नाम देख लो, उसके बाद भी डायग्राम बनाओ। देख लिए, ये स्क्रीनशॉट ले लो इन नाम का। चलो अब अपन इसके डायग्राम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका डायग्राम किस टाइप का बनाएंगे अपन। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम की मैं सिंगल वन पेयर नहीं बन, दोनों साइड में नहीं बना रही हूँ, आप ध्यान रखना, मैं एक साइड से ही आपको समझा रही हूँ डायग्राम। देखो, एक इसमें ऐसे, ये हो गया टेस्टिस। क्या है टेस्टिस? टेस्टिस किस में सिचुएटेड होता है? स्क्रोटम में सिचुएटेड होता है, ये बात आपको पता है। टेस्टिस किस में सिचुएटेड? टेस्टिस जो होता है वो अब्डोमिनल कैविटी के बाहर, आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी, सिचुएटेड इन द स्क्रोटम। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये एक स्वेल पार्ट है, और ये जो स्वेल पार्ट है ये एक ट्यूब में ओपन होगा। इस स्वेल पार्ट को मैं ऐसे बना के दिखा देती हूँ, ये लीजिए, इसको पूरे को कवर किए हुए रहता है। फिर आगे जाकर के ये जो स्वेल एक ट्यूब, नैरो ट्यूब में ओपन हो रहा है, ये जो नैरो ट्यूब है ऐसे चली और चल करके ये चली गई एक और ट्यूब के अंदर, और ये दोनों ट्यूब यहाँ पे आके एक साथ खुल गई। फिर ऊपर की तरफ ये हो गया यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी जो ब्लेडर है वो किस में खुलता है आपको पता है? थोड़ा बड़ा बना दूँ क्या? यूरिनरी जो ब्लेडर है वो खुलता है यूरिथ्रा में। तो ये हो गया यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा आके किसके साथ मिलती है? ये सब एक जगह मिल जाएगी ऐसे आकर के, ये लो, ये मैंने यूरिथ्रा यहाँ मिला दी, और यहाँ से ये जो यूरिथ्रा वाला जो पोर है वो कहाँ किस में एंटर कर रहा है? पेनिस में एंटर कर रहा है, पेनिस के पोर पे आके खुलेगा, ये पेनिस का पोर बन गया, और यहाँ पर ये वाली जो फॉर्म है ये लीजिए। मैंने एक सिंगल ही डायग्राम बनाया बस आपको समझाने के लिए। यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है, एक ग्लैंड यहाँ बना दो, एक ग्लैंड यहाँ बना दो, ये लीजिए ये ग्लैंड्स हो, ठीक है। इसमें एंटर क्या कर रही है? यूरेटर जो कहाँ से आ रही है? एक्सकेटरी सिस्टम से आ रही है, ये एंटर करके इसके अंदर ये हो गया। अब सुनो क्या क्या है, सेम ऐसा ही डायग्राम फिर इधर होता है, तब उस समय पेनिस कहाँ बना देते हैं? अपन बीच में बना देते हैं, तो आप किसी भी टाइप का डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब सुनो ये क्या है? टेस्टिस, ठीक है। किस में सिचुएटेड है? स्क्रोटम में। किसमें सिचुएटेड है? स्क्रोटम में सिचुएटेड है। ये वाला पोर्शन हो गया एपिडाइमिस, ये है वॉस डेफरेंसिया, वॉस डेफरेंसिया कहाँ जा रही है? सेमिनल वेसिकल्स में जा रही है। ये मिलकर के एडजुलेटरी, यानी कि ये यहाँ देखो, ये हो गई सेमिनल वेसिकल और ये होगी वॉस डेफरेंस,
जहां दोनों आपस में मिलेगी, एक्जुलेटरी डक्ट बनेगी, ट्रीडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वाला अंदर वाला क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये वाला पोर्शंस, दिस पोर्शन इज द यूरिथ्रा, और ये हो गया पोर बन गया, यूरिथ्रल पोर हो गया, और ये वाला पोर्शंस क्या हो जाता है, पेनिस हो जाता है, क्या हो जाएगा, पेनिस। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड, जो यूरिनरी ब्लेडर के जस्ट नीचे है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये कौन सी हो गई, बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यूरिथ्रल ग्लैंड। ये लो एक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सिंगल जो डायग्राम है, इजी वे में जो डायग्राम है वो मैंने आपके सामने बना दिया है, ठीक है, बना दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, आप आई होप आप ये डायग्राम बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं और आपको अच्छे से बना के सेंड कर दूंगी नोट्स के समय। एक बार तो अपन केवल क्या करें, स्टडी करें कि कौन कौन से पार्ट है। ये है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या है ये, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आज हम इसी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कंप्लीट स्टडी करेंगे, कंप्लीट स्टडी ऑफ द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आप चाहो तो इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी रफ कॉपी में बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए, एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से इस डायग्राम को बिल्कुल रफ कर रही हूँ, सारे नाम मैंने आपको बता दिए, ये इससे कनेक्टेड है, फिर यहाँ से लेकर के ये स्पर्म एक बार यहाँ स्टोर हो जाएंगे, फिर ये वापस आते हैं पेनिस पोर के थ्रू फीमेल की वेजाइना या फीमेल की यूट्रस के अंदर इनको इंजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं इनसेमिनेशन। जो प्रोसेस की थी ना वहां पे एक इनसेमिनेशन और आ जाएगा, यानी क्या, उस समय मैंने ये कहा था ना कि जो मेल होता है वो खुद ही रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है क्या करने के लिए, फीमेल गैमेट तक, मेल गैमेट को लेके जाने के लिए, स्पर्म को लेके जाने के लिए, तो वो जो इंजेक्ट करेगा जब मेल है वो फीमेल के वेजाइना में या यूट्रस के अंदर जब स्पर्म को इंजेक्ट करवाता है तब उसे इनसेमिनेशन की प्रोसेस बोलते हैं। तो वहाँ प्रोसेस में एक ये और इंक्लूड हो जाएगा, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन आता है, हो गया। चले अब मैं यहाँ से रफ कर रही हूँ, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल की अपन बात करेंगे, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल इज द टेस्टिस, टेस्टिस कितने पेयर होते हैं, टेस्टिस अजी वन पेयर होते हैं, कैसे होते हैं, वन पेयर, अल्मोड टाइप, स्पेरिकल फॉर्म, ओवल फॉर्म, है ना। अब सुनो, जो टेस्टिस है ये सिचुएटेड कहाँ है, देखिए अपना जो ये अपना थॉरेक्स हो गया, ये अपनी थॉरेक्स कैविटी या चेस्ट कैविटी हो गई, जहाँ अपना डायफ्राम है, डायफ्राम के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन होता है हमारी बॉडी का वो अब्डोमेन होता है, लंग्स, लंग्स के जस्ट नीचे फ्लेडोम से डायफ्राम है, और डायफ्राम के जस्ट नीचे वाली जो फॉर्म चलती है हमारे बॉडी पार्ट की, दिस इज द अब्डोमेन। तो द टेस्ट इज सिचुएटेड आउटसाइड द अब्डोमेन, कहाँ है, आउटसाइड द अब्डोमेन, इट्स सिचुएटेड ए पाउच, इट्स सिचुएटेड ए पाउच, दिस पाउच इज द स्क्रोटम, दिस पाउच इज द स्क्रोटम, समझ में आ गई। अब ये जो इस, अब यहाँ देखो ये हो गया अब्डोमिनल पार्ट हमारी बॉडी का, ये क्या है, ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम में ये क्या है, टेस्टिस है, और ये हमारा हो गया अब्डोमिनल पार्ट। अब ये जो
स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम जो टेस्टिस है उसको उसे टेम्परेचर 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन टेम्परेचर प्रोवाइड द टेस्टिस कंपैरिजन टू द बॉडी टेम्परेचर। हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37.5 डिग्री सेल्सियस मानते हैं अपन, 0.5 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं। स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ, अगर ये 37 है तो यहाँ का बॉडी टेम्परेचर 35 ही होगा। अब ये लेस देन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन करने के लिए लेस देन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड है? स्क्रोटम में सिचुएटेड है। कहाँ सिचुएटेड है? स्क्रोटम में सिचुएटेड है। जो स्क्रोटम है इसकी कुछ मसल्स भी होती है जिनकी स्टडी स्क्रोटम की स्टडी करवाऊंगी तब बताऊंगी, क्योंकि मान लो से क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सर्दियों के मौसम में हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर कम हो जाए तो स्क्रोटम है वो टेस्टिस के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करेगा? तब उस समय क्या होगी कि ये वाली जो मसल्स है ये अब्डोमिनल मसल्स के कांटेक्ट में आ जाएगी, ये वाली मसल्स यहाँ आ जाएगी, जिसकी वजह से टेस्टिस किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? अब्डोमिनल कैविटी के कांटेक्ट में आ जाएगा और इसका जो टेम्परेचर फिर से मेंटेन हो जाएगा। ये बात अपन स्क्रोटम की स्टडी करेंगे तब करेंगे। टेस्टिस के फंक्शंस क्या है? टेस्टिस का क्या फंक्शंस है? फर्स्ट फंक्शंस है, टेस्टिस जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, स्पर्म प्रोडक्शन, और स्पर्म्स आर द मेल गैमेट्स, मेल गैमेट है ना, या तो 22+X है या फिर 22+Y है, यही है ना मेल हैप्लोइडी। टोटल कितने हो गए? 23। हमारे अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होते हैं? 46 होते हैं ना, 46 होते हैं क्रोमोसोम्स के नंबर, यानी कि 44+XX मेल है, 44+XY फीमेल है। ये बात आपको पता है, तो इसकी हाफ कर दो, मेल की हाफ ये लो। सेकंड, ये टू हार्मोन सिक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन। जो हार्मोन हुमन में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जो एंड्रोजन्स हार्मोन्स होता है वो स्पर्म प्रोडक्शन में क्या करता है? इन्वॉल्व होता है। तो दो इसके हार्मोन हो गए, टू सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय दैट, एक तो है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और सेकेंड है एंड्रोजन। टू हार्मोन सिक्रेट करता है टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। ये दोनों ही मेल सेक्स हार्मोन है, दोनों ही क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। इसके फंक्शंस हो गए। अब स्ट्रक्चर की बात कर ले, थोड़ा लंबा चलेगा स्ट्रक्चर वाला टॉपिक, आराम से बिल्कुल तसल्ली से देखना है शांतिपूर्वक होकर के। तो अब हम बात करते हैं टीएस ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ टेस्टिस सुनो तो, टीएस ऑफ टेस्टिस या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड है? स्क्रोटम में सिचुएटेड है। अब्डोमिनल जो कैविटी है उसके आउटसाइड में सिचुएटेड होते हैं। जो टेस्टिस है, ठीक है, अब हम चलो ये हटा दे यहाँ से पूरा। अब मैं बात करूंगी कि जो टेस्टिस है, जो टेस्टिस होते हैं वो एक ओवियल शेप स्ट्रक्चर स्फेरिकल फॉर्म है, ठीक है। जो टेस्टिस होते हैं उनके जो इंटरनल बॉडी पार्ट है वो टू एनवल्प से कवर्ड है, टू एनवल्प से कवर्ड है, टू लेयर सराउंडेड दैट टेस्टिस, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी?
इसके जो आउटर लेयर है इसे आप कहोगे ट्यूनिका वेजिनेलिस। टेस्टिस की जो आउटर वॉल है उसका नाम है ट्यूनिका वेजिनेलिस। टेस्टिस की जो इनर वॉल होती है जो किस फॉर्म में है, देखिए इनर वॉल में ऐसे ऐसे बना दूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, इस टाइप से बनाई दो पूरी। तो टेस्टिस जो है सराउंडेड द टू लेयर, द आउटर लेयर एंड द इनर लेयर। द आउटर लेयर और इनर लेयर टू कंबाइन नोन एज द टेस्टिकुलर कैप्सूल। क्या बोलते हैं उनको एक साथ? टेस्टिकुलर कैप्सूल्स बोलते हैं। नोन एज द टेस्टिकुलर कैप्सूल्स। द आउटर लेयर इज नोन एज द ट्यूनिका वेजिनेलिस एंड द इनर लेयर इज नोन एज द ट्यूनिका एल्बुगिनिया। ट्यूनिका एल्बुगिनिया, दोनों नाम याद हो जाएंगे। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं और इनर लेयर को क्या बोलते हैं? आउटर लेयर क्या है और इनर लेयर क्या है? तो इनर लेयर का क्या नाम हो गया? ट्यूनिका एल्बुगिनियम। ये और दिस इज नोन एज द ए होल। दिस होल इज नोन एज द टेस्टिकुलर कैप्सूल्स। इसे एक साथ क्या बोल दोगे? टेस्टिकुलर कैप्सूल्स बोल दो। दोनों नाम हो गए। चलिए फिर अपन उसके ये कहेंगे, अब मेरी बात सुनो। कई बार क्या होता है कि देखो, जैसे ये तो हो गई आउटर, ये वाली, और ये जो इनर है ना, ये इनर अंदर की तरफ ऐसे फोल्डेड कर जाती है। समटाइम्स द इनर फोल्डेड द इनसाइड, द इनर कैप्सूल फोल्डेड द इनसाइड लाइक एज द सेप्टा। ऐसे नहीं लग रहा कि अलग अलग चैम्बर बन गए? देखो ये अपने आप में एक चैम्बर है, लग रहा है ना? ये अपने आप में एक चैम्बर है, ये ऐसे चैम्बर के जैसे दिखाई देने लगते हैं। वे हंड इनर में, इनर इज ए वाइट कनेक्टिव फाइबर टिश्यू की बनी है, वाइट कनेक्टिव फाइबर टिश्यू की बनी है जो अंदर की इनफोल्डेड द इनसाइड समटाइम्स टू फॉर्म द मैनी चैम्बर्स। दिस चैम्बर इज नोन एज द सेप्टुला टेस्टिस। सेप्टुला टेस्टिस बोल देते हैं। ये बात है कि सेप्टुला टेस्टिस कहीं आपको नाम देखने को मिल जाए तो आपके दिमाग में इतना ही आना चाहिए कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है कई बार क्या करती है, अंदर की तरफ ऐसे इम्बेडेड हो जाती है। जब ये अंदर की तरफ ऐसे इम्बेडेड हो जाएगी तो ऐसे फील होता है जैसे सेप्टम बने हुए हैं, तब हम उसे सेप्टुला टेस्टिस बोल देते हैं। बात खत्म। एक जो कंप्लीट टेस्टिस है, वन पेयर टेस्टिस, एक टेस्टिस में ऐसे 250 से 300 तक की लोब्यूल्स होती है। एक लोब्यूल्स बनाई है मैंने, कितनी होती है एक टेस्टिस में? 250 से लेकर के 300 तक की लोब्यूल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट है? लोब्यूल्स प्रेजेंट। जैसे अभी मैं बनाऊं लोब्यूल्स और आपके सामने, जैसे एक मान लो यहां बना दूं, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन और एक हो गई आउटर मेम्ब्रेन। बात समझ में आ गई क्या? है ना, एक जैसे मैं इधर बना दूं ऐसे ही, एक पार्ट ये रहा और एक मेम्ब्रेन ये हो गई, सब सेल सही, सब सेल सही है ना। एक ऐसे इधर भी हो जाए, एक ऐसे इधर भी लोब्यूल्स बन जाए, है ना, एक ऐसे इधर भी लोब्यूल्स बन जाए, ऐसे लोब्यूल्स बन जाए। ये अब सुनो, ये लोब्यूल्स के बिटवीन जो स्पेस प्रेजेंट है, स्पेस बिटवीन द लोब्यूल्स इज नोन एज द इंटरस्टाइनल स्पेस। क्या है इसे? इंटरस्टाइनल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टाइनल स्पेस बोलते हैं। इन द इंटरस्टाइनल स्पेस टू प्रेजेंट द कनेक्टिव, इसमें क्या भरा हुआ है? कनेक्टिव फ्लूड भरा हुआ है।
ये जो फ्लूड भरा स्पेस में क्या भरा हुआ है, फ्लूड भरा हुआ है, उस फ्लूड के अंदर मैनी लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है, लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है या इंटरस्टाइनल सेल्स प्रेजेंट होती है, लेडिंग सेल्स या इंटरस्टाइनल सेल्स प्रेजेंट होती है। इतनी बात समझ में आई क्या? सुनो वापस से, द आउटर वॉल इज द ट्यूनिका वेजिनेलिस, इनर वॉल इज द ट्यूनिका एल्बुगिनियम। समटाइम्स एट 250 to 300 लोब्यूल्स आर फाउंड इन द टेस्टिस, लोब्यूल्स आर फाउंड इन द टेस्टिस, ठीक है। द बिटवीन द लोब्यूल्स टू प्रेजेंट द इंटरस्टाइनल स्पेस, दिस इंटरस्टाइनल स्पेस इज नोन एज द इंटरस्टाइनल स्पेस टू फिल ए फ्लूड, दिस इज नोन एज द कनेक्टिव फ्लूड, इन द कनेक्टिव फ्लूड टू फाउंड द लेडिंग सेल्स या इंटरस्टाइनल सेल्स। द इनर साइड ऑफ द टेस्टिस, द इनर साइड ऑफ द टेस्टिस टू फाउंड ए स्पेसिफिक सेल्स, कॉइल्ड स्पेसिफिक सेल्स, टू फाउंड ए कॉइल्ड स्पेसिफिक सेल्स। द कॉइल्ड स्पेसिफिक सेल्स इज नोन एज द, यानी ईच लोब्यूल हैज द टू एंड थ्री स्पेसिफिक सेल्स। जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक लोब्यूल्स बना दूँ, एक लोब्यूल्स मैं यहाँ बना दूँ, तब मैं क्या कहूँगी कि इसके अंदर क्या पाई जाती है? कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। द कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज द सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स बोलते। टू फाउंड दिस ईच लोब हैज, 200 to 250 लोब पाई जाती है, ईच लोब हैज द टू एंड थ्री सेम कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज द सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये क्या हो गई? सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल। ये जो सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स इज द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द टेस्टिस। ये टेस्टिस की क्या है? फंक्शनल यूनिट होती है, आप ध्यान में रखोगे। टेस्टिस की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ये जो सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स है, ये कैसी है? ये कॉइल्ड है, यही बना के दिखाऊं। कैसी होती है? कॉइल्ड होती है सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स। और जो सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स है, ये खुद कवर्ड होती है, इसकी आउटर कवरिंग को तो बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपरिया, और इनर लेयर को बोला जाता है जर्मिनल एपिथीलियम बोलते हैं। कि अपन टेस्टिस की स्ट्रक्चर, तो टेस्टिस में है क्या क्या? टेस्टिस के अंदर क्या क्या है? सेमिनी कॉइल्ड सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स है। ये क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस है। जो सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स है, उसमें आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका प्रोपरिया, और इनर को क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथीलियम। अब सुनो, ये जो सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स है आल्सो कंटेन द टू टाइप ऑफ सेल्स, आल्सो कंटेन द टू टाइप ऑफ सेल्स। द वन टाइप ऑफ सेल्स इज नोन एज द जर्म सेल्स या फिर स्पर्मेटोगोनियम सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल, जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। और द सेकेंड सेल्स इज द सर्टोली सेल्स। अब सुनो मैं क्या करती हूँ, यहाँ बीच बीच में अब आपको सर्टोली सेल्स बना के दिखाती हूँ कि ये मान लो ये हो गई सर्टोली सेल्स, ये बीच बीच में क्या बना दिया, आप कितनी भी बना सकते हो, कोई काउंटिंग की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ये बना दी सर्टोली सेल्स, ये बीच बीच में क्या है? सर्टोली सेल्स। और सर्टोली सेल्स कहाँ होती है? सेमिनी फेरस जो ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर टू टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। एक टाइप की सेल्स को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, एक बोलते हैं सर्टोली सेल्स। तो ये बना दी मैंने सर्टोली सेल्स, है ना?
ये क्या बना दी मैंने, ये लो, है ना, हर जगह हर ऐसे ऐसे फॉर्म प्रेजेंट हो गया हर जगह मेरे डायग्राम कम्प्लीटली, क्योंकि मैं जैसे जैसे आपको स्टडी करवाती जा रही हूँ उस पार्ट को वैसे ही बनाती जाऊंगी। सुनो, ऐसे सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स है जिसमें एक तो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होती है और एक सर्टोली सेल्स है। जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है वो क्या करती है, वो ये जो स्पेस था ना ये हटा दो क्या पूरा एक बार, इसको मैं कंप्लीट रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको ये कंप्लीटली रिमूव किया। सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स की कौन सी सेल्स थी, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है। द स्पर्मेटोगोनियल सेल्स ऑफ द सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोगोनियम टू प्रोड्यूस द स्पर्म, ये स्पर्म्स बनाती है। स्पर्म है ना उसको सबसे पहले स्पर्मेटिड के रूप में निकाला जाता है, स्पर्मेटिड, फिर बाद में है ना बाद में वो मेच्योर होता है और स्पर्म बनाता है, लेकिन एक बार तो क्या बनते हैं स्पर्मेटिड। तो हम सीधे सीधे ये कह देते हैं द सर्टोली सेल्स सॉरी द स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टू फॉर्म द स्पर्म, क्या बनाती है स्पर्म बनाती है, याद रह जाएगा। टेस्टिस की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इसमें स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है जो क्या बनाती है स्पर्म बनाती है, और इसकी जो सेकंड सेल्स है, इसकी जो सेकंड सेल है ये कौन सी है, सर्टोली सेल्स। एग्जाम में सर्टोली सेल्स के फंक्शन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना, अलग से प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स कैसी है, लार्ज साइज सेल है, सर्टोली सेल्स इज द लार्ज साइज ऑफ द सेल्स। सर्टोली सेल्स इज आल्सो नोन एज द सपोर्टिंग सेल्स, नोन एज द सपोर्टिंग सेल्स एंड द नर्स सेल। इसे सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं और नर्स सेल भी बोलते हैं। फर्स्ट, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ द जर्म सेल्स फॉर या स्पर्मेटोगोनियम सेल्स फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। ये क्या प्रोवाइड करवाती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है स्पर्म को, ठीक है। सेकंड, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, और सुनो जो अननेसेसरी साइटोप्लाज्म है, जैसे स्पर्मेट सबसे पहले क्या बनेगा स्पर्मेटिड, ये गोलाकार संरचना होती है, ये गोलाकार संरचना फिर इस टाइप की संरचना बना लेती है, तो ये वाली जो संरचना बनी इसको स्पर्मेटिड कहते हैं। तो स्पर्मेटिड में से अननेसेसरी साइटोप्लाज्म को रिमूव कर देती है। एक मिनट बचो, साइटोप्लाज्म पहला क्या था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती स्पर्म को। सेकंड क्या था, स्पर्मेटिड में से अननेसेसरी सबस्टेंस को रिमूव कर देती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती। स्पर्मेटिड है क्या, जब स्पर्मेटोगोनिया जिस हैपेलोइड फॉर्म का फॉर्मेशन करेगी, वो हैपेलोइड फॉर्म पहले स्पर्मेटिड कहलाता है, फिर ये स्पर्मेटिड फिर जाके क्या बनाता है स्पर्म बनाता है, ये अपन बनाएंगे ये भी। तो स्पर्मेटिड से जरूरत की चीजों को, जिनकी जरूरत नहीं है उन चीजों को बाहर निकाल देती है, अननेसेसरी सबस्टेंस को। सेकेंड, सर्टोली सेल्स एक इनहिबिन प्रोटीन सिक्रेट करती है, क्या सिक्रेट करती है, इनहिबिन प्रोटीन को सिक्रेट करती है। जो ये इनहिबिन प्रोटीन है, ये स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जरूरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रेगुलेट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा ना तभी स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो इस हार्मोन को कब आना है, कब बंद होना है, ये इनहिबिन बताता है बच्चों। तो ये आप देखो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, अननेसेसरी साइटोप्लाज्म को रिमूव कर देता है, और इनहिबिन प्रोटीन को क्या करता है, सीक्रेट करता है। तो ये बात किसकी हो गई, सर्टोली सेल्स की। अब सुनो, ये जो सर्टोली सेल्स है इसका जो हेड पार्ट है ना, यहाँ पर भी क्या होती है, सर्टोली सेल्स होती है। ये जो सर्टोली सेल्स है, जो स्पर्म है, स्पर्म का हेड पार्ट
इस सर्टोली सेल्स के अंदर क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। स्पर्म बहुत सारे बनते हैं, मिलियंस में बनते हैं, 400 मिलियंस में, है ना। ऐसे ऐसे ये हेड पार्ट इससे क्या रहता है, अटैच रहता है। क्यों? ताकि ये इसे क्या प्रोवाइड करवाती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। ऐसे ऐसे ये लो में, ठीक है। अंदर की साइड में क्या है, ब्लड वेसल्स होती है, नर्वस सेल्स होती है, फ्लूड भरा हुआ रहता है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो इंटेस्टाइनल स्पेस प्रेजेंट है, इस स्पेस में एक सेल प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, लेडिंग सेल्स। ये जो लेडिंग सेल्स होती है ये मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है, मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रेट करती है। कौन कौन से, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। बस यही कहानी थी। अब सुनो, इतनी बात समझ में आ गई क्या? दो इसकी वॉल की बात की थी मैंने, फिर मैंने कहा इसके अंदर कि 250 से 300 लोब्यूल्स पाई जाती है। एक लोब्यूल्स में 2 या 3 सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाएगी। जो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स एक कॉइल्ड सेल्स होती है, इसमें एक तो है सर्टोली सेल्स, एक होती है स्पर्मेटोगोनियम सेल्स। दोनों के फंक्शंस हमने कर लिए। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल को टेस्टिस की फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। इंटेस्टाइनल जो स्पेस प्रेजेंट है इसमें लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है जो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रेट किया जाता है। अब मैं इस डायग्राम, अब यहाँ पे देखो मैंने तो बहुत कम बनाए ना, तुम लोग ऐसे ऐसे करके कंप्लीट कर सकते हो, मैं भेज दूंगी तुम लोगों को ना, ऐसे 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 सब जगह ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे इधर भी है। यहाँ पे ये देखो, ये सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पर भी है, सेम यही स्ट्रक्चर ये है। अरे लोब्यूल्स ही तो है रे, ये तो सेम ही स्ट्रक्चर होगी ना यहाँ पर भी। ये सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पर भी बनेगी, ये ऐसे ये स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बनेगी। यहाँ पर भी जो स्पर्म है उसका हेड इम्बेडेड रहेगा, ऐसे सेम ही स्ट्रक्चर बनेगी, ध्यान में रखना ना, सेम स्ट्रक्चर बनेगी ऐसे ऐसे। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत हो एक बार वीडियो को वापस रिपीट करके देख लेना, आराम से स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी, इतनी हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होती है। अब मैं इस डायग्राम को तो यहाँ से रफ कर रही हूँ, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो वरना मैं आपको सेंड कर दूंगी। सुनो अब इस डायग्राम को मैं, अब देखो मैं क्या करूँगी, अब यहाँ से देखो एक बार और देखो रे, ये एक मैंने बना दिया टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर ये मैं बना दूँ सेप्टुला टेस्टिस, सेप्टम बना दी, क्या बना दी, सेप्टुला टेस्टिस। इनर मेम्ब्रेन से बने ना, ट्यूनिका एल्बुजीनिया से बनते सेप्टुला टेस्टिस। अब ये जो सेप्टुला टेस्टिस है इनके अंदर कोइल्ड फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या प्रेजेंट है, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ये जब इस टेस्टिस के यहाँ बीच में आई ना, यही तो डायग्राम था हमारा, जब सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ बीच में आएगी तो बी ये जो सेम जब ये बाहर की तरफ ग्रो करेगी तो ये अनकोइल्ड होने लगेगी धीरे 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 धीरे। क्या होने लगती है, अनकोइल्ड होने लगती है, और ये धीरे धीरे एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेती है। धीरे धीरे ये एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लिया, यानी कि सब देखो ये ट्यूब भी यहाँ आके खुल गई, ये ट्यूब भी यहाँ आके खुली, ये भी यहाँ आके खुल गई, ये भी यहाँ आके, ये जो ट्यूब है तीनों ट्यूब एक जगह आके खुल जाती है। द कॉइल सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स बिकम द अनकॉइल्ड फॉर्म टू फॉर्म ए नेटवर्क वेयर द कंप्लीटली ओपन दिस एरिया इज नोन एज द रेटे टेस्टिस। इस एरिया को आप क्या बोलोगे, रेटे टेस्टिस बोलोगे। क्या बोलते हो, रेटे टेस्टिस बोलते हो। अब ये जो रेटे टेस्टिस है वो आगे जाकर के ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ऐसे ट्यूब्स में ओपन हो जाएगा, ऐसे ऐसे, और आगे जाकर के खुलेगा एपिडाइमिस में। कहाँ खुलेगा, एपिडाइमिस में खुलेगा। समझ में आ गई क्या बात।
कहाँ खुल गया, एपिडाइमिस में खुल गया। तो रेटे टेस्टिस और एपिडाइमिस के बीच में जो ये ट्यूब बनेगी ना, ट्यूब जो बनी है, इस ट्यूब का क्या नाम है, वॉस अफ्रेंसिया, वॉस अफ्रेंसिया बोलते हैं इस ट्यूब को। रेटे टेस्टिस किसे कहा आपने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ओपनली एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रही है, वो रेटे टेस्टिस है। वो तो क्या है, रेटे टेस्टिस है। और रेटे टेस्टिस ओपन है ट्यूब, विच ट्यूब ओपन इज एपिडाइमिस, तो वो क्या हो गया, वॉस अफ्रेंसिया हो गया। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहाँ आते हैं, रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस से कहाँ जाएंगे, वॉस अफ्रेंसिया में जाएंगे। वॉस अफ्रेंसिया इसको कहाँ लेके जाएगी, कहाँ लेके जाएगी, एपिडाइमिस में लेके जाएगी। बात क्लियर हो गई। रेटे टेस्टिस किसे कहते हैं, जैसे नाम आ जाए सेप्टुला टेस्टिस, क्या था, जो टेस्टिस की जो ट्यूनिका एल्बुजिनी है वो अंदर की तरफ फोल्डेड होके सेप्टम बनाती है, तो सेप्टुला टेस्टिस कह दिया। ठीक है, रेटे टेस्टिस क्या हुआ कि सेमिनिफेरस जो कॉइल ट्यूब है वो आगे की तरफ ग्रो करके अनकॉइल्ड फॉर्म में आ जाती है। अनकॉइल्ड जो फॉर्म होती है वो बहुत सारी सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहां आकर खुलेगी, ओपन होगी, वो रेटे टेस्टिस होता है। रेटे टेस्टिस खुलता है वॉस अफ्रेंसिया में, और वॉस अफ्रेंसिया किस में खुलेगी, एपिडाइमिस में खुलेगी। तो आज की हमारी स्ट्रक्चर क्या थी, टीएस पे डिपेंड करी थी, टीएस ऑफ द टेस्टिस। तो जो एपिडाइमिस है, वॉस डेफेंसिया है, सेमिनल वेसिकल्स, इन सब की स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज की जो हमारी मेन क्लास थी वो थी टीएस ऑफ द टेस्टिस। तो सभी बच्चों को टीएस ऑफ द टेस्टिस से रिलेटेड पॉइंट होने चाहिए। टीएस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव है, इसमें फंक्शनल यूनिट्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, इसमें टू टाइप की सेल्स है, स्पर्मेटोगोनिया सेल जो स्पर्मेटोजिनेसिस करती है, स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, सर्टोली सेल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाती है, है ना, ये सब होगा। इसमें ग्लैडिंग सेल्स, इंटेस्टाइनल में ग्लैडिंग सेल्स, इस पे ग्लैडिंग सेल्स पाई जाती है जो जो सेक्स, मेल सेक्स हार्मोन को क्या करती है, सिक्रेट करती है। लेडिंग सेल को इंटेस्टाइनल सेल्स भी बोलते हैं, INTERSTINAL, इंटेस्टाइनल सेल्स भी बोलते हैं। तो सभी बच्चों के ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो सभी बच्चे अच्छे से वीडियो को देखें और टॉपिक को अच्छे से समझें। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी ही थी।